हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। जीटीयू के अंदर ये सवाल एटलीस्ट 7 मार्क्स में 110% आएगा ही आएगा, जिसके अंदर आप लोगों को एक इक्वेशन डिराइव करना है। अभी ये इक्वेशन किस बेस पर है, तो हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट ट्रांसफर रेट किस तरह से फाइंड आउट होता है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। दोस्तों, कंडक्शन के लिए आपके पास में फोरियर लॉ था, कन्वेक्शन के लिए आप लोगों के पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, रेडिएशन के अलग अलग लॉज होते हैं जो मैंने आप लोगों को मेरे पहले लेक्चर में बताया था, जैसे कि किरचॉफ्स लॉ है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, प्लैंक्स लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, एक्सेट्रा। उसी तरह से हीट एक्सचेंजर के अंदर किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, उसका रेट कितना है, वो अगर फाइंड आउट करना है, तो ये उसके लिए मेथड है LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। दोस्तों, आप लोगों के पास में बेसिकली दो हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक होता है पैरेलल फ्लो और दूसरा होता है काउंटर फ्लो। तो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों के लिए आप लोगों के पास में हीट ट्रांसफर रेट कितना बनेगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। LMTD का फुल फॉर्म लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन का यूज होता है। इसका मेथड का यूज हम लोग करेंगे, किस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करनी, वो आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। हमारा पहला केस है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल, अगर फ्रॉम लेफ्ट साइड इफ यू आर फ्लोइंग योर हॉट फ्लूइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो काउंटर फ्लो का मतलब ये होगा कि आपके राइट साइड से कोल्ड फ्लो को आप एंटर कराओगे और लेफ्ट साइड से उसको आउट करवाओगे। इसको हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में डायरेक्शन ऑफ बोथ फ्लो विल बी अपोजिट, ठीक है। तो उसके बेस पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, जो मैंने आप लोगों को मेरे हीट ट्रांसफर के हीट एक्सचेंजर के पहले लेक्चर में पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी, लेट्स से दैट THI मतलब के हॉट वाटर टेम्परेचर और हॉट फ्लूड टेम्परेचर फॉर इनलेट। इनलेट के लिए हॉट फ्लूड का टेम्परेचर THI, मान लो कि THI अभी यहाँ पर क्या होगा, THI मतलब कि हॉट फ्लूड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूड इनलेट विल बी मच हाई विद कंपेयर टू योर कोल्ड फ्लूड इनलेट। जब आपका कोल्ड फ्लूड आपका अंदर से आएगा, उसका टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द हॉट फ्लूड टेम्परेचर इज, जब वो एंटर हो रहा है तब उसका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जो कोल्ड फ्लूड एंटर हो रहा है, लेट्स से दैट उसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये आपकी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली कंडीशन आ गई, ये आपकी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली कंडीशन आ गई। डायरेक्शन देखो, यहाँ पर हॉट फ्लूड यहाँ से एंटर हो रहा है, डायरेक्शन आपका लेट्स से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। सामने कोल्ड फ्लूड के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है मतलब कि आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बन गया। नाउ हम लोगों ने कंसीडर किया था 80 डिग्री सेल्सियस, PCI कंसीडर किया था 20 डिग्री सेल्सियस। अब हीट एक्सचेंजर के ट्यूब में से जब ये आपके दोनों फ्लूड पास होंगे, तो दोनों के दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे। लेट्स से दैट THO हॉट फ्लूड आउटलेट टेम्परेचर, अभी हॉट फ्लूड आउटलेट टेम्परेचर डेफिनेटली हॉट फ्लूड इनलेट टेम्परेचर से कम होगा। क्यों? क्योंकि हॉट फ्लूड ने कोल्ड फ्लूड के साथ में हीट एनर्जी ट्रांसफर की है। हीट एनर्जी ट्रांसफर की है मतलब इट विल रिजेक्ट द हीट, इट विल लॉस द हीट, हीट लॉस कर रहा है तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो दैट THI इज ग्रेटर देन THO, लेकिन सामने कोल्ड फ्लूड ने क्या किया है, जब कोल्ड फ्लूड आपके ट्यूब में से पास आउट हो रहा है तो इट विल गेन द एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो डेफिनेटली PCO कोल्ड फ्लूड आउटलेट टेम्परेचर विल बी हायर विद कंपेयर टू कोल्ड फ्लूड इनलेट टेम्परेचर। तो यहां पर आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, दैट TCO इज ग्रेटर देन TCI, मतलब कि हीट ट्रांसफर आप लोगों का कुछ इस मैनर में होगा। एक चीज ध्यान में रखो, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना होगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर विल बी अप टू THI, मतलब कि जो 80 डिग्री सेल्सियस था उससे उतना ही होगा, 80 डिग्री से कम हो सकता है लेकिन 80 डिग्री से ज्यादा तो होगा ही, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट आ गई। लेट्स से दैट कि आउटलेट में कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस और आउटलेट में हॉट फ्लूड का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, या तो ये इसके इक्वल आएगा या तो इससे ज्यादा रहेगा। यहाँ पर कोल्ड फ्लूड का, या तो ये हॉट फ्लूड के इनलेट के टेम्परेचर के इक्वल जाएगा या तो उससे भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है काउंटर फ्लो के लिए। इक्वेशंस को समझते हैं।
लेट्स से दैट THI एंड TCO, अब जहां से आपका हॉट फ्लूइड का इनलेट है वहां पर आप लोगों के कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट है, तो यहां पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिला। ये टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज, दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज थीटा 1। थीटा 1 मतलब के टेम्परेचर प्रोफाइल THI माइनस TCO, THI माइनस TCO। सेम मैटर थीटा 2, हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर और कोल्ड फ्लूइड के इनलेट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब के थीटा 2, थीटा 2 विल बी THO माइनस TCI। हॉट फ्लूइड आउटलेट विल बी मच हायर कंपेयर टू TCI, इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन वो आइडियल कंडीशन है। ऐसा हीट एक्सचेंजर के जहां पर कोई हीट लॉस नहीं है, अगर कोई हीट लॉस नहीं है तब आप लोगों को THO इज इक्वल टू TCI, THI इज इक्वल टू TCO मिल सकता है, लेकिन आइडियल चीज आज तक बनी नहीं है और ना बनेगी। हीट लॉस तो होना ही होना है, तो ये हीट लॉस की वजह से हम लोगों को थीटा 1 एंड थीटा 2 मिला। ये थीटा 1 और थीटा 2 मतलब कि आप लोगों को मैन टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो आप कर सकते हो। कंसिडर करो कि dx जितने छोटे से लेमिना में, छोटे से लेयर के अंदर कुछ हीट ट्रांसफर हुई है, और इसके बेस पर हम लोग पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करेंगे। कंसिडर करते हैं कि dx इतने छोटे से लेमिना के अंदर कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेट्स से दैट उसका टेंपरेचर डिफरेंस है dTH एंड dTC। dTH मतलब हॉट फ्लूइड के टेंपरेचर का डिफरेंस, dTC मतलब कोल्ड फ्लूइड के टेंपरेचर का डिफरेंस। dTH मतलब TH माइनस TC और dTC मतलब TC माइनस TCO माइनस TCI। तो ये टेंपरेचर डिफरेंस है किस तरह से होगा, तो पहले पैरामीटर में आपको बता दूं, ये थ्योरी जब आप लिखो तो आप लोगों को सबसे पहले टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लिखना है। जितने भी नोमेनक्लेचर मैंने समझाया है वो नोमेनक्लेचर आपको समझाना है, क्योंकि अगर नोमेनक्लेचर आपने नहीं समझाया तो उसका आधा मार्क्स या एक मार्क्स कट जाएगा। 7 मार्क्स की थ्योरी ये लिखना कंपलसरी है। लेट्स से दैट THI हॉट वाटर इनलेट टेंपरेचर मतलब के हॉट फ्लूइड इनलेट टेंपरेचर, TCI कोल्ड वाटर मतलब के कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेंपरेचर, THO O मतलब आउटलेट, H हॉट टेंपरेचर, हॉट फ्लूइड आउटलेट टेंपरेचर, TCO कोल्ड फ्लूइड आउटलेट टेंपरेचर। अभी हीट फ्लो हम लोगों को सिर्फ dx के लिए फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग वहां कंसीडर करके चल रहे हैं, इसके बेस पर हम लोग पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से दैट dx जितने लेमिना के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट dq इज इक्वल टू uda th माइनस tc, हॉट फ्लूइड का टेंपरेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर डिफरेंस, uda th माइनस tc, दैट th माइनस tc इज नोन एज थीटा, दिस वन। ठीक है, कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के टेंपरेचर डिफरेंस को हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज थीटा। ये आप लोगों ने फेन के अंदर भी पढ़ा था, फेन की थ्योरी में भी पढ़ा था, यू डीए थीटा, थीटा इज इक्वल टू टीएच माइनस टीसी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी थीटा डिफरेंशिएट इन द सेंस के टेंपरेचर डिफरेंस को हम लोग और भी छोटे लेयर के अंदर कंसीडर करें, तो इट विल बिकम डी थीटा इज इक्वल टू डी टीएच माइनस डी टीसी। टेंपरेचर डिफरेंस को हम लोगों ने सिर्फ डी एक्स इतने लेमिना के लिए कंसीडर किया, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी टीएच माइनस डी टीसी। नाउ हीट एक्सचेंज इज गिवन बाय, हीट एक्सचेंज किस तरह से होती है, फर्स्ट सेमेस्टर ईएमई चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अंदर आप लोगों ने थियरी पढ़ी थी कि जनरली किसी भी फ्लूड के अंदर, फ्लूड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है गैसेस फॉर्म भी हो सकता है, तो फ्लूड के अंदर हीट ट्रांसफर किस तरह से दिया जाता है, तो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था दैट क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा डी, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था। द सेम इक्वेशन विल बी लाइक दैट ओवर हियर, dq is equal to mc delta t, ये वही इक्वेशन है, mc delta t, delta की जगह मैंने d लिखा है, mc delta t, बस फर्क यहाँ पर है कि हम लोग दोनों फ्लूड के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, हॉट फ्लूड के लिए भी और कोल्ड फ्लूड के लिए भी। dq is equal to, क्योंकि सिर्फ dx लेयर के लिए कंसीडर कर रहे हैं, so we will write the small change of heat transfer into this lamina, dq is equal to minus sin q लिया है, मैं आपको बता दूं माइनस साइन इसीलिए लिया है कि ये हमारा जो पैरामीटर है x मतलब के हॉट फ्लो, अभी हॉट फ्लो जब इनलेट से आउटलेट की तरफ जाता है इट विल रिजेक्ट द हीट एनर्जी, तो यहां पर एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर ओवर हियर एज अ नेगेटिव साइन। ये याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस आपका जब हीट लॉस करता है तो उसको नेगेटिव साइन में कंसीडर किया जाता है, दैट्स व्हाई ओवर हियर वी हैव रिटन माइनस साइन, तो dq हो जाएगा हमारे लिए फॉर हॉट फ्लो माइनस mhch dth, सेम फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, अभी कोल्ड फ्लूड आपका कितनी एनर्जी गेन करेगा जितना कि हॉट फ्लूड ने रिजेक्ट किया होगा, तो डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू कोल्ड फ्लूड माइनस एमसी सीसी डीटीसी। अभी ये कोल्ड फ्लूड के लिए नेगेटिव साइन लेने का मीनिंग क्या है,
क्योंकि कोल्ड फ्लूड आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कोल्ड फ्लूड इज अपोजिट विद कंपेयर टू योर हॉट, दैट्स व्हाई हियर रिटन ओवर हियर वी हैव नेगेटिव साइन. तो -mhch is equal to -mcccdtc. कोल्ड फ्लूड और हॉट फ्लूड के लिए हीट ट्रांसफर रेट ऑन द बेसिस ऑफ द ईएमई चैप्टर आपका बेसिक फार्मूला. सिंपलीफाई करते हैं, n into c mass flow rate into specific heat is known as heat capacity. Mass flow rate into specific heat is known as your heat capacity. Heat capacity is denoted by this. ध्यान में रखना, ये specific heat है and specific heat is always denoted by small c. सामने हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. ये दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है. तो हीट कैपेसिटी फॉर हॉट फ्लूड दैट इज कैपिटल सी एच, हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूड दैट इज कैपिटल सी सी. सफिक्स में यहां पर सी लिखा है मतलब कि कोल्ड फ्लूड के लिए, सफिक्स में आपके पास में एच है मतलब कि हॉट फ्लूड के लिए. सी एच हीट कैपेसिटी फॉर हॉट फ्लूड, सी सी हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूड, एम एच मास फ्लो रेट फॉर हॉट फ्लूड, एम सी मास फ्लो रेट फॉर कोल्ड फ्लूड, CA specific heat for hot fluid, CC specific heat for cold fluid. इस इक्वेशन को हम लोग और भी सिंपलीफाई करेंगे. कैसे? DTH आप लोगों के लिए दोनों इक्वेशन में DTH को सब्जेक्ट है बनाओ, ठीक है? DTH और DTC. देखो DQ यहाँ पर भी अप्लाई होगा, DQ यहाँ पर भी अप्लाई होगा. तो पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं. DTH को सब्जेक्ट है बनाओ, दिस माइनस है, CH will go to the denominator of your opposite direction. तो DTH हो जाएगा आपका DTH is equal to minus DQ upon MHCH, minus DQ upon MHCH मतलब आपका capital CH है, ठीक है? ये वाला portion समझ में आया? DTH को subtracted करें, minus CH आपका सामने आ गया. Same cold fluid के लिए DQ DTC आपका सामने आ जाएगा, तो CC sorry DTC को subtracted करना है sorry, तो minus CC आपका सामने आ जाएगा, DQ divided by minus CC, DQ divided by minus हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड के लिए आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस मिल गया. ये दोनों इक्वेशन को हम लोग मेन टेम्परेचर डिफरेंस में फाइंड आउट करेंगे, हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस. डीटीएच माइनस डीटीसी, डीटीएच माइनस डीटीसी करोगे आप तो डीक्यू डीक्यू कॉमन है, कॉमन ले लो, माइनस डीक्यू हम लोग कॉमन ले लेंगे. माइनस डीक्यू जब आप कॉमन लोगे तो डीटीएच तो आपका पॉजिटिव है, माइनस डीक्यू आपका बाहर आ गया, बचा गया 1/CH 1/CH. माइनस डीक्यू कॉमन है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप माइनस कर रहे हो, तो दिस विल अगेन बिकम माइनस वन अपॉन सीसी. नाउ डीटीएच माइनस डीटीसी मतलब के डी थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड. डीटीएच माइनस डीटीसी इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डीक्यू इनटू 1/CH माइनस 1/CC. फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या था कि डीक्यू की वैल्यू है हमारे पास यू डी ए थीटा. अगर आपके पास में dq की वैल्यू है तो ये dq की वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे, दैट विल बिकम d theta इज इक्वल टू माइनस एज इट इज. अभी हम लोगों ने dq की वैल्यू रख दी uda theta, uda theta इनटू 1/CH माइनस 1/CC एज इट इज. इस theta को डिनोमिनेटर में ले आओ इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इट विल गो ओवर हियर, ठीक है? डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा d theta by theta is equal to minus UDA into 1/CH minus 1/CC. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप लोगों को जो हीट ट्रांसफर रेट मिला है वो आपके dx लेंथ के लिए मिला है. वी हैव टू फाइंड द ओवरऑल हीट, सॉरी वी हैव टू फाइंड द हीट ट्रांसफर थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर. हम लोगों को पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली वी विल कंसीडर THI minus THO एंड TCO minus TCA मतलब कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर, कितना हॉट फ्लूड में चेंज हुआ, कितना कोल्ड फ्लूड में चेंज हुआ. सामने आप लोगों की थ्रू आउट लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना आपको हीट ट्रांसफर मिला, तो वो चीज उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट ओवर बेसिक इक्वेशन. हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दो विद इन योर लिमिट. थीटा 1 इज योर बेसिक टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड इनलेट एंड कोल्ड फ्लूड आउटलेट मेन. सेकंड वन थीटा 2 टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड आउटलेट कोल्ड फ्लूड इनलेट, ये आपका मैक टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आपकी टेम्परेचर की लिमिट यहाँ पर आ गई. थीटा मतलब आपके लिए टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है, तो आपकी लिमिट आ गई टेम्परेचर की. सेकंड थिंग 0 to a मतलब कि एरिया, लेट्स से कि आपके हीट एक्सचेंजर का टोटल एरिया है कैपिटल है,
तो आप लोगों के पास में एरिया आ गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जीरो टू ए। तो यहाँ पर आपके पास में दो वेरिएंट है, एक तो आपका टेम्परेचर वेरिएंट है और दूसरा आपका एरिया वेरिएंट है। इंटीग्रेशन कर दो इक्वेशन को, थीटा 1 टू थीटा 2 थीटा बाय थीटा माइनस 0 टू ए यू डू ए 1 अपॉन सी एच माइनस 1 अपॉन सी सी ln थीटा 2 बाय थीटा 1 लिमिट रखने के बाद में, ठीक है इसका आंसर आएगा ln थीटा। जब आप लिमिट रखोगे तो ln थीटा 2 माइनस ln थीटा 1 आएगा, इट विल बिकम ln थीटा 2 बाय थीटा 1 क्योंकि मैक्स का रूल है माइनस साइन है ln है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले सकते हो। यहां पर एरिया uda मतलब के 1da विल बिकम एरिया, जब लिमिट रखोगे तो a माइनस 0 तो ua ua 1 अपॉन ch माइनस 1 अपॉन cc। अभी टोटल हीट ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करना है बिटवीन टू फ्लूइड्स, दो फ्लूइड के बीच में बेसिकली हीट ट्रांसफर किस तरह से दिया जाता है, q is equal to ch thi minus tho तो ये हॉट फ्लूइड के लिए, q is equal to cc tco minus tca फॉर कोल्ड फ्लूइड के लिए। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए आपको आप लोगों के पास में वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर ln theta 2 by theta 1 is equal to minus ua minus tha, okay 1 upon ch है, ch को सब्जेक्ट हेड बनाओ या फिर ch को यहां पर ले आओ q को सामने जाने दो, it will become like this 1 upon ch is equal to q, same over here it will become 1 upon cc divided by q, ठीक है तो ये 1 upon ch और 1 upon cc की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर रख दी। ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u है thi minus tho upon q minus tco minus tc upon q ln theta 2 by theta 1, और इसको सिंपलीफाई करते हैं, q आप लोगों के लिए कॉमन है बाहर निकालो, क्यों हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, टर्म्स को थोड़ा अरेंज करते हैं, thi माइनस tco माइनस tho माइनस माइनस विल बिकम प्लस tci मतलब कि tci माइनस tho आप लोगों का थीटा 1 और थीटा 2 बन जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ln थीटा 2 / थीटा 1 = ua upon q थीटा 1 माइनस थीटा 2 आपका मेल टेंपरेचर डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, q the rate of heat transfer from the heat exchanger for counter flow, counter flow के लिए heat exchanger के अंदर कितना heat flow rate आ रहा है वो हमारे लिए important है, तो q को subject head बनाओ, q को subject head बना लोगे this q will multiply over here and this ln theta 2 by theta 1 will multiply over here, cross multiplication करेंगे, u a minus sin a इसको theta 2 minus theta 1 कर दो तो negative sin आपके दूर हो जाएगी, u a theta 2 minus theta 1 divided by ln theta 2 by theta 1, कंसीडर दैट ये जो आपका इक्वेशन बना दैट इज द मीन टेंपरेचर डिफरेंस फॉर हॉट फ्लू एंड कोल्ड फ्लू जिसको बोलते हैं थीटा एन, q इज इक्वल टू यू ए इनटू थीटा एन एंड दैट थीटा 1 थीटा एन इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय ln थीटा 2 / थीटा 1 जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस, क्योंकि यहां पर लॉग आ रहा है that's why it is known as the logarithmic mean temperature difference equation को अगर आपको दूसरी तरीके से लिखना है तो theta 1 minus theta 2 divided by ln theta 1 by theta 2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन GTU के अंदर 7 मार्क्स का है, अगर ये थ्योरी नहीं आ रही है तो काउंटर फ्लो की जगह पैरेलल फ्लो आ सकता है, अगर दोनों नहीं आ रहे हैं तो इसके बेस पर एग्जांपल आएगा, लेकिन ये सवाल के रिलेटेड 7 मार्क्स GTU के अंदर कंफर्म है जो आप लोगों को करना ही करना है, और इसी के बेस पर गेट के अंदर भी एटलीस्ट 3 मार्क्स का एक एग्जांपल या 3 मार्क्स की एक थ्योरी आपको पूछी जाती है, तो इक्वेशन अच्छी तरह से करना है, सारे फॉर्मूला याद रखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।